इसको पास में लीजिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम अंकिता अर्जुन रेडकर है, मैं गोवा से हूँ। मैं सरकारी प्राथमिक विद्यालय सड़ा मुरगांव इस पाठशाला में हिंदी ये विषय पढ़ाती हूँ। मुझे सीटी के सेशंस लेने के लिए हफ्ते में 2 पीरियड्स मिले और मैंने ये सेशन कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए लिए थे। इन सेशन का नतीजा कुछ इस प्रकार हुआ। एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए स्कूल में आए और प्रश्न पूछने लगे, टीचर आपने ऐसा क्या किया। तो एकदम से अचानक से ऐसे सवाल मुझे पूछे तो मैं एकदम मतलब चौंक गई, ऐसा मैंने क्या किया। शुरू में मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होगी या फिर कुछ शरारत की होगी। तो लेकिन बाद में उन्होंने कहा, टीचर आपने ऐसा क्या किया कि बच्चे अब अपना सारा काम बहुत व्यवस्थित रूप से ढंग से करने लगे हैं। टीचर आपने ऐसे बच्चों को क्या सिखाया कि बच्चे जो हमारी एक भी नहीं सुनते थे, उन्हें बार बार बताना पड़ता था ये करो, ये सही से रखो, अपना बैग ठीक से भरो वगैरह। लेकिन अब आपने कुछ तो बच्चों को अलग सिखाया है, उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत गहरा पड़ा है। अब बच्चे खुद से ही अपना काम ढंग से करते हैं, जैसे कि स्कूल का बैग भरना या फिर कपड़े ढंग से रखना वगैरह। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये बच्चे छोटे हैं हमारे 1-2 के, ये छोटे छोटे बच्चे इतना कुछ और बहुत जल्दी सीख गए, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने जो एक्टिविटीज़ बच्चों को ली थी उनमें से एक एक्टिविटी है जिसके बारे में अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपने भी आपके बच्चों को करते हुए देखी है और हर रोज़ देखते हैं। ये एक बहुत सीधी सादी एक्टिविटी है, लेकिन बच्चे इस एक्टिविटी द्वारा सिटी की कई संकल्पनाएँ सीखते हैं। तो आज की मेरी एक्टिविटी है बैग खाली करना और फिर से भरना। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने सभी छात्रों को उनका बैग खोलकर बैग में से सभी वस्तुओं को बाहर निकालकर एक बाजू में रखने के लिए कहा। फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि आप हर रोज़ स्कूल आते वक्त आपका बैग कौन भरता है, वे आपका बैग कैसे भरते हैं। फिर छात्रों ने कुछ इस प्रकार जवाब दिए। कुछ छात्र कहने लगे कि उनका बैग उनकी मम्मी या पापा भरते हैं, तो कुछ ये भी कहती है कि वो खुद से अपना बैग भरते हैं। फिर आगे मैंने बच्चों से कहा, चलो आज हम खुद से एक अलग तरीके से अपना बैग भरेंगे। तो आगे मैंने बच्चों से कहा, अब ये जो वस्तुएं जो आपने बैग से बाहर निकाली है ना, उनको बाजू में रखा है ना, उन्हें क्या करो, अब गुट में रखो, यानी कि ग्रुप में रखो। सभी वस्तुओं का अलग अलग गुट बनाओ और सभी वस्तुओं को अलग अलग रखने के बाद अब हम इन्हें गिनेंगे। जब बच्चे इन सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से गिनती करते हैं वस्तुओं की, तो उनके समझ में यह आता है कि उनके पास कुल कितनी वस्तुएं हैं और कौन कौन सी। उनको यह भी पता चलता है कि उनके पास कौन सी वस्तुएं नहीं है। फिर उनसे मैंने कुछ और प्रश्न पूछे, अब आपने ये कैसे किया, आपने कैसे तय किया कि कौन सी वस्तु कहाँ पे रखनी है, आपने आपका टिफिन का डिब्बा, पानी की बोतल कहाँ रखी, क्या आपने सारे कंपार्टमेंट का इस्तेमाल किया वस्तु रखने को। ऐसे मैंने कुछ उनसे प्रश्न पूछे। फिर स्टेप बाय स्टेप क्रमिक रूप से और व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए मैंने सिटी का ही एक गाना लिया, एक छोटा सा गाना। तो अब मैं आपके सामने वो गाना पेश करती हूँ। क्रमिक रूप से और चरण दर चरण से करते हैं हम सभी काम व्यवस्थित रूप से। क्रमिक रूप से और चरण दर चरण से करते हैं हम सभी काम पद्धतिबद्ध से। ये गाना बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सिर्फ इसी एक्टिविटी के लिए नहीं, मैंने ज़्यादातर जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ थे गाने के रिलेटेड
मैंने वो गाना बच्चों को सिखाया, और हर बार बाद में जो जब मैं आगे दूसरी एक्टिविटी लेने जा रही थी, ये बच्चे पहले ही बोलते थे ये गाना। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है ये गाना, और इस गाने के द्वारा ही उन्होंने ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से की। फिर उनसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे ये गाना सिखाने के बाद। ये गाना सिखाने के बाद बच्चों ने व्यवस्थित क्रमबद्ध से अपना बैग भर लिया, तो मैंने उनसे कुछ और प्रश्न पूछे, जैसे कि इस बार बैग भरना आसान था या मुश्किल? फिर क्रमबद्ध और सही तरीके से बैग भर लिया तब क्या हुआ? अगर हम इन वस्तुओं को नहीं गिनते हैं, आपके पास जो भी वस्तुएं हैं, अगर हम इन्हें नहीं गिनेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा? ऐसे मैंने उन बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। फिर मैंने इस एक्टिविटी के अंतर्गत एक छोटी सी और एक एक्टिविटी ली, सबसे तेज कौन, यानी कि फास्टेस्ट फिंगर एक्टिविटी। इनमें बच्चों को कहा कि मैं एक दो तीन गिनूंगी, और तीन गिनते ही जो भी वस्तु मैं बैग से बाहर निकालने को बोलूंगी वो आपको तीन गिनते ही निकालनी है। और ये तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय की है एक्टिविटी से, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत इन्जॉय की है एक्टिविटी। और इसके बाद यहाँ पर ये दर्शाया गया कि अगर हम पद्धतिबद्ध और एक क्रम से कोई भी वस्तु रखेंगे या कोई और कार्य भी करेंगे तो वो हमें तुरंत मिलती है और बहुत जल्द गति में मिलती है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अब मैं आपके सामने इस एक्टिविटी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ और फोटोज़। यहाँ पर मैंने बच्चों को व्यवस्थित सूचीकरण और व्यवस्थित गिनती भी सिखाई, वस्तुओं की सूची करने को कहा और बाद में गिनती भी करने को सिखाया। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है। ओके, तो ये एक्टिविटी ले, तो ये एक्टिविटी लेते वक्त मुझे तो वैसे कोई भी चैलेंजेस नहीं आए, लेकिन इस एक्टिविटी का गहरा प्रभाव बच्चों पर हुआ है। छात्र व्यवस्थित सूचीकरण करते हैं और सूचीकरण करने के बाद वस्तुओं को व्यवस्थित गिनते हैं, तब उन्हें वो आसानी से मिलती है और उन्हें यह समझ में आता है कि इसका फ़ायदा क्या है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, या आगे जाके भी, या फिर कोई और भी काम हो, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से रखने से, क्रमबद्ध रखने से उसका फ़ायदा क्या होता है, ये बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। वे यह भी एनालिसिस कर पाते हैं कि कौन से कंपार्टमेंट में कौन सी वस्तु रखी जाए। बच्चे अच्छे से वस्तुओं को गुट में रखकर, अलग अलग रखकर उनका वर्गीकरण भी करते हैं। कुछ बच्चों ने तो ये इन स्किल्स का बखूबी उपयोग अपने घर पर अन्य कामों में भी किया है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पहले चित्र में ये जो बच्ची है वो कैसे बच्ची ने ढंग से कपड़े रखे हैं और ज़रूरत के हिसाब से रखे हैं। पहले नीचे के कंपार्टमेंट में उसका स्कूल यूनिफॉर्म रखा है जिसकी ज़रूरत उसे डेली होती है, डेली पड़ती है ज़रूरत। तो दूसरे कंपार्टमेंट में घर पर पहनने वाले कपड़े, तीसरे कंपार्टमेंट में बाहर जाने के लिए या फिर घूमने जाने के लिए कपड़े, और चौथे कंपार्टमेंट यानी कि सबसे ऊपरी कंपार्टमेंट में ओकेजन पर पहनने वाले, जिसकी हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि शादी हो, बर्थडे पार्टी जैसे ओकेजन हो। तो ऐसे इस बच्चे ने व्यवस्थित ढंग से सही से कपड़े रखे, अच्छे से कपड़े रखे, और उसके बाद उसने
लिस्ट भी बनाई कपड़ों की और गिनती भी करके लिखा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए शर्ट कितने हैं, 2, स्कर्ट 2 है, टी शर्ट 8 है, पैंट्स 10 है वगैरह। तो वैसे ही दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो दूसरी बच्ची है वो रसोई घर में बर्तन कैसे ढंग से रखे है बच्चे ने, और उसने भी व्यवस्थित रूप से सूचीकरण करके गिनती भी की। तो बच्चों ने ये उनका जो अनुभव था वो दूसरे दिन कक्षा में आकर सबको सुनाया। तो ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की संकल्पनाएं या फिर कंसेप्ट है, ये बच्चे भी सीखे, और जो भी एक्टिविटीज़ मैं लेती थी क्लास में उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला बच्चों का, और वे बहुत दिलचस्पी से करते थे। ओके, तो लास्ट में मैं दीपाली मैडम को थैंक यू कहती हूँ। दीपाली मैडम, विपुल सर एंड सोनिया मैडम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म हियर। थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू अंकिता। एनी क्वेश्चंस? Okay, so if there are no questions, we start with the next. Next we have Anuya Nasnotkar from Sarkari Prathamik Vidyalaya Kendra. Suprabhat. Manyavarana ani upasthit shikshakanna maja namaskar. Mi maja shalet, mi Sarkari Prathamik Vidyalaya Kendra Kurchade shalechi शिक्षिका अनुया प्रभुनास नोडकर। मी गोव्याहून आली आहे। तर मी सिटीची सुरुवात माझ्या शाळेत क्रमाक्रमाने आणि टप्प्याटप्प्याने आणि एव्हरी टाईम यू डू समथिंग डू इट सिस्टमॅटिकली या गाण्याने केली। सर्व मुलांना ही गाणी फार आवडली। ती हसता हसता खेळता खेळता परत परत ती गाणी गुणगुणू लागली। सिटीची सत्रे मी फार घेतले, पण आज मी तुम्हाला समान आणि भिन्न वस्तू या कृतीबद्दल सांगणार आहे। ही कृती घेताना मी एकटी शिक्षिका आणि वर्गात पहिली ते चौथीची मुलं होती। इथं उपस्थित असलेले खूपसे शिक्षक एक शिक्षकी शाळा शिकवत असतील, त्यांना याची पूर्ण कल्पना असेल। तर मी एकटी शिक्षिका आणि वर्गात पहिली ती चौथीची मुलं, म्हणजे त्यांची वेगवेगळी बौद्धिक क्षमता आणि सर्व मुलांना एकत्रित घेणं, ही कृती करताना सगळ्यांना सामावून घेणं, म्हणजे हे मोठं आव्हान माझ्यासमोर होतं। कृती तशी सोपी होती, पण त्यांची बौद्धिक क्षमता आणि न कंटाळता ती मुलं यात सहभागी होणार हे आव्हान माझ्यासमोर होतं। तर मी समान आणि भिन्न वस्तू शिकवताना अगोदर फळ्यावर 3 समान वस्तू आणि 1 भिन्न वस्तूची चित्रे काढली व त्यांना प्रश्न विचारले, या चित्रात वेगळं काय आहे, ही चित्र वेगळं कसं आणि कशासाठी? तर मुलांनी आपापल्या मतानुसार उत्तरे दिली। नंतर ती कृती पहिली ते चौथीची मुलं होती आणि लहान मुलांना वेगळ्या पद्धतीने शिकवण्यासाठी मी अजून वेगळ्या रीतीनं ती कृती करण्याचा प्रयत्न केला। एका मुलाच्या हातात सफरचंद दिलं, दुसऱ्याच्या हातात संत्र दिलं, तिसऱ्याच्या हातात केळं दिलं आणि चौथ्याच्या हातात गाजर दिलं आणि मुलांना सांगितलं की यातील भिन्न वस्तू ओळखा। तर नंतर मी त्यांना त्यावरून गाणं शिकवलं, 3 वस्तू एक सारख्या, 3 वस्तू एक समान, त्या सर्वांमध्ये एक वेगळी, वेगळे आहे तिचे स्थान। हे गाणं मुलांना फार आवडलं। नंतर मी त्यांना वर्गातील किंवा त्यांच्याकडे असलेल्या 3 समान आणि 1 भिन्न वस्तू शोधून आणण्यास सांगितले, तर मुलांनी आवडीनं ते केलं। नेक्स्ट, नंतर ते गाणं जे शिकवलेलं मी ते मुलांना फार आवडलेलं आणि उदाहरणातील वस्तू घेऊन माझ्या मत्तीनं थोड्या मुलांनी आपण काव्यरचना करूया म्हणून सांगितलं आणि त्यात ते उदाहरणातील वस्तू घालून आम्ही मुलांनी आणि मी मिळून आम्ही एक काव्यरचना केली। मुलांनी छोटी छोटी का होईना स्वतःची काव्यरचना केली ते पाहून मला फार आनंद झाला। नंतर मुलांना मी समान आणि भिन्न वस्तू दाखवलेल्या चित्राच्याद्वारे बोर्डवर काढून दाखवलेल्या, तर मुलांनी आपल्याला हव्या असलेल्या 3 समान आणि 1 वस्तूची चित्रे काढून
स्वतःच्या आपापल्या काव्यरचना केल्या आणि तशाच त्याने आम्ही त्यांना कार्यपत्रिका देतो शिकवताना, तर त्यांना माहीत होतं कार्यपत्रिकेची रचना माहीत होती आणि त्यांनी आपल्याला हव्या असलेल्या 3 समान आणि 1 भिन्न वस्तूची चित्रे काढून कार्यपत्रिकाही केल्या. नेक्स्ट, तर इकडं विद्यार्थ्यांनी केलेली एक काव्यरचना पाहूया. अशा प्रकारे त्यांनी ही परी म्हणून मुलगी होती ना, तिनं पुढाकार घेतलेला आणि ती माझ्याकडे येऊन, टीचर हम भी वैसा ही एक गाना बनाएंगे ऐसा बोल के हमने वो काव्यरचना की थी. तर नंतर आम्ही त्यांनी मुलांनी हे आपल्या स्वतःच्या काव्यरचना केल्या. याचा परिणाम मुलावर एवढा झाला की मुलांना त्या आपल्या कार्यपत्रिकेच्या आणि काव्यरचना यातून त्यांची विचार करण्याची कौशल्ये वाढली व दुसऱ्या विषयात आम्हाला ऑड मॅन आऊट वगैरे इंग्लिशमध्ये असतं, पिक द ऑड मॅन आऊट, तर दुसऱ्या विषयात त्यांनी भिन्न वस्तू शोधण्यास या शिकवलेल्या पद्धतीचा वापर केला आणि मुलांचे तर्कविचारही वाढले. तर्कविचार सुरू झाले कारण त्यांना रंग रूप आकार हे निरखून ती भिन्न वस्तू ओळखायची होती. सिटीचा एकंदरीत परिणाम मुलावर एवढा झाला की मुलं स्वतःची कामे स्वतः करू लागली, तेही कुणीही न सांगता. म्हणून या सिटीच्या सत्रांचं आम्हाला खूप अभिमान आहे आणि उपयोग पण झाला, मुलांनाच नाही तर शिक्षकांनाही त्याचा उपयोग झाला. तर मी दीपाली मॅडम, स्मिता मॅडम आणि संपूर्ण कॉम्प्युटेशनल टीमला धन्यवाद म्हणते आणि तसंच इकडं येऊन माझी समान आणि भिन्न वस्तूची कृती प्रेझेंट करायला दिल्याबद्दल ऑर्गनायझर्सना थँक्यू म्हणते. थँक्यू वन अँड ऑल. या थँक्यू अनुया. नेक्स्ट वी हॅव कीर्ती धारगळकर फ्रॉम दिस. या प्लीज. वन क्वेश्चन, ॲज ए हॅव, म्हणजे मराठीत बोलत आहोत, तुमच्याकडे एक शिक्षकी शाळा आहे, एका शिक्षकी शाळेमध्ये एकादमात 1 to 4 मुलं आहे, ॲक्टिव्हिटी घेणं हे ठीक आहे पण मग त्यांना तुम्ही त्यांच्या लेवलला असेस कसं केलं? समान आणि भिन्न म्हणजे त्यांना, तर हा त्यांच्याप्रमाणे आम्ही मुलांना वर्गातून मुलांना आपल्या जवळ असलेल्या किंवा वर्गातून, लहान मुलं होती ती एकदम म्हणजे लिहायला हे करत नाही, त्यांना जरा काही ॲक्टिव्हिटी दिल्या की आनंदाने करतात. हो, त्यांच्या अंडरस्टँडिंग लेवलप्रमाणे आम्ही कार्यपत्रिका करतो. हो, थँक्यू मॅडम. या थँक्यू अनिया. नेक्स्ट वी हॅव कीर्ती धारगळकर फ्रॉम सरकारी प्राथमिक विद्यालय केंद्र. नमस्कार नमस्कार, मी शिक्षिका कीर्ती संतोष धारगळकर गोव्याहून आहे. मी इयत्ता 4th मुलांना हे उपक्रम घेतलेले. सीटी हा विषय एक अतिशय आम्हाला तरी गुणकारी वाटला आणि खरंच उपयुक्त आहे आणि तो माझ्या शाळेत मी 4th हे केलं, त्याचं उपयोग करून घेतला. तर 4th मुलांना अनेक उपक्रम घेतले मी, त्यामध्ये हाच एक उपक्रम खास तुमच्यासाठी मी सांगणार आहे. त्याच्या आधी मी एकच तुम्हाला मला जो अनुभव आला तो एक थोडक्यात सांगते की सुखद अनुभव होता तो. एक मुलगा होता माझ्या वर्गात, खूप चॅलेंजिंग, तुम्हाला कदाचित अशी मुलं असतील की तो कधी काही एक शब्द बोलला नाही कुणाशीच, कधी बोलला नाही, म्हणजे गप्प बसायचा फक्त हसरा चेहरा. CWSN मुलगा होता बरोबर, कारण तो चॅलेंजिंग होता, तो काहीच बोलत नव्हता, त्याला कळलं न कळलं एवढंही काही माझ्या लक्षात येत नव्हतं, कुणाच्याच नाही. शेवटी ना एक दिवस अशाच CWAच्या आम्ही
कॉम्पिटिशनल थिंकिंगच्या कृतीज घेत होतो, ॲक्टिव्हिटीज घेत होतो. घेत असताना एक दिवस अचानक काय झालं, त्या मुलाला ना ग्रुपमध्ये काम करताना लगेच तो इतर मुलांशी काहीतरी गुजगुजला, काहीतरी बोलला. अरे मुलं खुश झाले, टीचर हा बोलला, असं त्यांना आनंद झाला एकदम. टीचर हा बोलला, सगळ्यांनाच आनंद झाला. बघतो तर काय, तो बोलला पण मी विचारल्याबरोबर तो परत हसरा चेहरा गप्प. पण मुलांच्या कृतीत तो सहभागी व्हायचा, जे जे काय करतात ना तो आपण करायचा, स्वतः करायचा. पण ते का करतो रे, का केलं, नाव काय तुझं, काही नाही बोलायचं. म्हणजे हा सुखद अनुभव का म्हणते मी, कारण तो मुलगा ॲटलीस्ट त्या कृतीमध्ये त्याने भाग घेतला, त्याच्यावर मला त्याला हे करता आलं की का कृतीत भाग घेतला आणि इतरांशी काहीतरी बोलला, मित्रांशी. म्हणजे कदाचित तिचं त्याचा पुढे काहीतरी प्रवास चांगला होऊ शकेल, हा सुखद अनुभव. आता मी जी कृती घेतली वर्गामध्ये, ती कृती चौथीच्या विद्यार्थ्यांना घेतली बरं का, आणि चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी ती आनंदाने केली. कृतीची सुरुवात चांगल्या गाण्याने झाली आणि ते गाणं सगळ्यांना माहीत असेल, मी परत सांगत नाही. क्रमाक्रमाने आणि टप्प्याटप्प्याने हे गाणं त्यांना खूपच आवडायचं आणि त्या गाण्याने त्यांनी सुरुवात केली. आणि नंतर काय झालं, मुलं ही आमच्या शाळेतली मुलं, तुमच्या शाळेतली कदाचित असतील पण आमच्या शाळेत जी मुलं आहेत ती सगळी इतर राज्यातनं आलेली, विविध राज्यातनं आलेली आणि खूप गरीब कुटुंबातली. म्हणजे त्यांचे आई वडील जे आहेत डेली वेजेसचं काम करतात, सकाळी गेले रात्री घरी आले, म्हणजे त्यांच्याकडे बघण्यासाठी कोणीही नसतं. आणि हे काम, घरातली कामं आहेत ती स्वतः करतात. म्हणजे कदाचित आमची मुलं करत नसतील पण ती करतात. झाडू मारणं, कपडे धुणं, मग नंतर भांडी घासणं, इतर ही ती स्वतःहून करायची. त्यामुळे त्यांच्या घरातूनच मी सुरुवात केली बरं का. त्यांना काही प्रश्न विचारले, अरे घरकामात आईला कोण कोण मदत करतं, तर बरोबर सगळ्यांचे हात वर. कधी एक दोन तीन सोडले तर सगळ्यांनी हात वर केले. अरे वा छान, मग कोणकोणत्या कामात मदत करता बरं का, असं म्हटल्याबरोबर सगळी सांगायला लागली. फांडी घासतो, झाडू मारतो, मग जमीन पुसतो, छान. मग पुढे विचारलं, या कृती कसं बरं करता, तर म्हणाले, कोण म्हणाले, टीचर असं करतो, मग पाणी घेतो, हे घेतो, हे भांडी घासायला साबण वगैरे. सगळ्यांची कृती सांगितली बरं का, सगळ्यांची कृती सांगितली, सगळ्या ॲक्टिव्हिटींची छान छानपणे सांगितली त्याने, आपल्या भाषेत सांगितली. मग नंतर त्यांना विचारलं, या भांडी घासताना रे कशी बरं भांडी घासून ती ठेवता रे तुम्ही. मग सांगितलं मुलांनी, भांडी घासल्यावर काय करतो, कोण म्हणालं स्टँडवर ठेवतो, कोण म्हणालं टोपलीत ठेवतो, कोण म्हणालं बाकट्यावर ठेवतो. आमच्याकडे काही नाही आहे टीचर, आम्ही जमिनीवरच एक पेपर टाकून तिकडे ठेवतो. मग कशी बरं ठेवता, तर एक मुलगा पटकन म्हणाला, ताटं वेगळे, पेले वगैरे, चमचे वेगळे. हां, यालाच आपल्या शैक्षणिक भाषेत वर्गीकरण म्हणता बरं का. असं सांगितल्यावर आता आपण ही कृती घेऊया म्हटल्यावर त्यांना जरा आनंद आला, म्हणजे आपल्या काहीतरी ओळखीतलं टीचर करतायत असं वाटलं. मग कृतीला सुरुवात केली. कृतीसाठी त्यांना वेगवेगळे भौमितिक आकार दिले. आकार वेगवेगळे होते, वेगवेगळ्या रंगांचे होते. भौमितिक आकार वेगवेगळे दिल्याबरोबर त्यांना सांगितलं की हे आकार घ्या आणि तुम्ही ते व्यवस्थित मोठा, लहान 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 असे लावा. त्याच्या आधी मुलांनी काय केलं, ते सगळे आकार, त्याची साईज बघितली, या बाजूने त्या बाजूने, त्रिकोण होते, चौकोन होते, आयत होता, सगळं होतं. साईज बघून त्याचं सॉर्टिंग केलं, म्हणजे हे इकडे येणार चार साईडवाले, तीन साईड, मग गोल, असं करून त्याचं सॉर्टिंग केलं. सॉर्टिंग केल्यानंतर त्यांनी वर्गीकरण केलं. नंतर हां बाबा, चौकोन चौकोन इकडे, त्रिकोण त्रिकोण इकडे, असं वर्गीकरण केलं. वर्गीकरण केल्यानंतर त्यांनी तेच आकार क्रमानुसार लावले, मोठा छोटा 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 असं लावलं. अशा प्रकारे ही ॲक्टिव्हिटी त्यांनी केली आणि त्यानंतर तेच आकार वापरून त्यांनी त्याचं रंगानुसार वर्गीकरण केलं. हे करताना एक हे अनुभव घेतला त्यांनी काय, की रंगानुसार वेगळं करताना ते वेगळे वेगळे आकार आले, एकासारखे नाही आले. इकडे त्रिकोण आला, गोल आला, चौकोन आला, असं वेगळे वेगळे आले. मग त्या रंगानुसार त्यांनी त्याचं वर्गीकरण केलं आणि तिथे तक्ता पण भरला. शेवटी हे मिळालेले सगळे आकार घेऊन त्या मुलांनी त्या आकारांपासून वेगवेगळ्या कृती बनवल्या आणि ह्या कृतीमुळे त्यांना, त्यांच्या मेंदूला बरी चालना मिळाली बरं का. वेगवेगळ्या कृती म्हणजे कशा, त्यातनं कोणी टेबल, खुर्ची, माणूस, अजून काय, सिने, इकडे डोंगर, असं वेगवेगळ्या कृती केल्या आणि त्याचं सादरीकरणाचं चित्र तुम्हाला दिसेलच इथे मुलांनी केलेलं. अशा प्रकारे व्यवस्थित त्यांनी ही कृती केल्यामुळे त्याचा उपयोग मला एवढा झाला
की माहिती संकलन आणि वर्गीकरण हा विषय कदाचित तुम्हाला माहीत असेल की तुमच्या पण चौथीच्या पुस्तकात एक धडा आहे हजर जबाबी तक्ते. हां, याच्यामध्ये मला त्याचा फायदा झाला. का म्हणेल तर मुलं बघा वर्गात वेगवेगळी असतात, कोण हुशार असतं, कोण जरा कमी, ज्याला जमत नाही ज्याला 10 वेळा सांगा. माझ्या वर्गात पण असाच एक बिकिराज नावाचा मुलगा खूप हुशार होता, कुठच्या राज्यातला मला वाटतं तो बिहारचा असेल कदाचित, पण खूपच हुशार. त्याने काय केलं, तिथे उभा राहिला आणि टीचर आज मी धडा शिकवेन. त्याने तो धडा हजर जबाबी तक्ते एवढा शिकवला छान की मुलांना सगळ्या समजला. मी फक्त तुमच्यासारखी बाजूला उभी राहून कुठे कुठे उदाहरण ॲड करता येईल का, अजून जास्त काय सांगता येईल का हे बघत होते. म्हणजे मला निरीक्षण करायला वेळ मिळाला. तो खूपच छान पद्धतीने त्याने शिकवला आणि अशा प्रकारे मुलांचा आत्मविश्वास वाढला. आत्मविश्वास वाढल्यानंतर त्यांना मी काय केलं, अजून जरा परफेक्शन यायला पाहिजे म्हणून समोरच्या दुकानात घेऊन गेले. समोरच्या दुकानात त्यांनी काय केलं की त्यांना सांगितलं, तुम्ही इकडे निरीक्षण करा, बघा, दुकानदार काकाला काही प्रश्न विचारा, त्याचे फायदे विचारा, त्यांनी हे सगळं व्यवस्थित ठेवलं त्याच्याबद्दल काहीतरी विचारा आणि पुढे जरा छोटासा हा व्हिडिओ बघूया की मुलांनी काय संवाद साधला दुकानदार काका. त्यांना पण छान वाटलं की आपण कुणाला तरी प्रश्न विचारतो ना, एरवी टीचर विचारते, आज आपण विचारलं. म्हणजे एकदम संवाद एकदम चांगला झाला त्यांचा. मी थोडंसं शॉर्ट क्लिप आणले तुमच्यासाठी कारण वेळ नाही म्हणून. तर मग त्याचे काय परिणाम झाले याच्यावर की माझ्या शैक्षणिक याच्यात काय बदल झाला, तर मुलांचे गट करताना एरवी गोंधळ वर्गात, पण या सिटीच्या उपक्रमामुळे मुले व्यवस्थित गट करायला स्वतःहून शिकली. त्यांनी स्वतः गट बनवले. म्हणजे काय केलं, 5-5 जणं 1 2 3 4 5 झालं टीचर, दुसरे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 म्हणजे 5-5 चे गट पटकन बनले. नंतर मुलं घरात सिटीचा उपयोग करायला लागली, स्वतःच्या घरात. घरामध्ये सिटी कसं वापरायचं ते त्यांना तिथे भांडी लावण्यापासून कपड्यापर्यंत सगळं स्वतःहून करायला लागली. आणि नंतर मुख्य परिणाम जो माझ्या याच्यात झाला शैक्षणिक कारकिर्दीत तो असा की प्रज्ञाशोध नावाची त्यांची चौथीला स्कॉलरशिपची परीक्षा असते मुलांना, आणि हे त्यांना फर्स्ट आवाहन लाईफामधलं, फर्स्ट टाईम ती एवढी परीक्षा अटेंड करतात. तर ही मुलं दरवर्षी आमच्या शाळेतनं दोन तीन मुलं यायची, पण यावर्षी असं झालं की ही मुलं घरी काही हे नाही त्यांना, की आउटफिट नाही, त्यांचे आई वडील अशिक्षित असूनसुद्धा त्यांचा गणितामध्ये एवढा स्कोर केला की प्रायव्हेट शाळांना मागे टाकून ती पुढे आली. सॉरी, त्यांचे पालक घर इथे येऊन अक्षरशः रडले, टीचर बिकॉज ऑफ यू वी हॅव डन दिस. तुम्हीच त्यांचे आई वडील, दिस इज अ फीडबॅक फॉर मी. सो थँक्यू सिटी, थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू कीर्ती. That was really awesome. Any questions? So we move forward. We have Parul Bain from GP Primary School now. Ji madam. Aise pakdiye. सोनिया मैम, सर, कृपा मैम और दीपाली मैम और आप सब टीचरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम पारुल बहन जी पंड्या है. मैं संस्कृत और हिंदी पढ़ाती हूँ. ये मेरा इनोवेशन है संस्कृत का और इसमें करीब 140 छात्र जुड़े हुए हैं.
अब मैं आपको अपना परिचय देने जा रही हूँ। नेक्स्ट। हाँ जी, फिर से शुरू करें, है ना? हाँ जी, आप सब मैडमों को मेरा नमस्कार, आप सब टीचरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मेरा संस्कृत का इनोवेशन है जो कक्षा 6 से 8 के छात्रों को संलग्न है और इसमें करीब 140 छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट। अब मैं आपको मेरा परिचय देने जा रही हूँ। GCERT में कक्षा 5वीं से 8वीं तक की हिंदी की किताबों में मैंने योगदान दिया है लेखक और समीक्षक के रूप में। इसके बाद बायसेक स्टूडियो में मैंने पाठ्य सामग्री तैयार की है और जिला का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर MT के रूप में काम करती हूँ और बृहद गुजरात संस्कृत परिषद उसका एक एग्ज़ाम सेंटर मैंने अपने स्कूल में स्थापित किया है कि जबकि संस्कृत सीखे बच्चे और उसकी एग्ज़ाम दे, उससे सर्टिफिकेट भी मिले, इसलिए मैं बहुत कड़ी मेहनत उसके लिए करती हूँ। और दूसरा है, सन 2016 में गुजरात सरकार ने मुझे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ परंपरागत संस्कृत कठिन क्यों है। आज मैं पीज विद्यालय के छात्रों की आपके साथ चर्चा करूँगी कि छात्र संस्कृत पढ़ने और बोलने में कठिनाई अनुभव रहे हैं, उसकी मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। संस्कृत कठिन क्यों है? क्योंकि संस्कृत भाषा कठिनता के लिए जानी जाती है। इसका पहला कारण है उसका कठिन व्याकरण, जिसमें विभक्तियाँ है, विसर्ग है। दूसरा है पारंपरिक शिक्षण और तीसरा है बोलचाल की कमी। हम जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ इंग्लिश में बातें होती है, हिंदी में होती है, मातृभाषा में होती है, लेकिन कहीं पर कोई भी संस्कृत में बातचीत नहीं करता। और चौथा है पाठ्यपुस्तक का पारंपरिक स्वरूप। इन सब चुनौतियों के कारण हमें संस्कृत भाषा कठिन लगती है। तो इस चुनौतियों को हम कैसे पार करेंगे, यानी चुनौतियों को पार करने के लिए हम आगे कौन सी गतिविधियाँ, कौन सी रणनीतियों का उपयोग करेंगे, ये हम देखते हैं। तो पहला तो है कि विभिन्न शैली वाले छात्र, यानी सबका सीखने का तरीका अलग अलग है। ये सभी भाषाओं के लिए है, सभी टीचर को अनुभव है कि कोई जल्दी से सीखता है, कोई धीरे से। दूसरा है सभी के अलग अलग कौशल स्तर, यानी सबके कौशल स्तर भी अलग होते हैं। और हमारे यहाँ विभिन्न आयु वाले बच्चे आते हैं, यानी परिपक्वता के अनुसार वो सीखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका समाधान, चुनौतियों को पार करने के लिए उसका समाधान कौन सा ढूंढेंगे? तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट। हाँ, इसके आगे वाली बैक, इसका सॉल्यूशन है कि दृश्य से सिखाए। तो दृश्य से सीखने के लिए हम चार्ट, चित्र, ग्राफिक्स का उपयोग करेंगे। इसके बाद श्रवण से सीखने के लिए वाद विवाद, डिबेट, ऐसा ऑडियो गान, इस तरह से इसका उपयोग करेंगे। और विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करके उसे अलग अलग समर्थन प्रदान करके हम संस्कृत सिखाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी गतिविधियों का उपयोग करेंगे। एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, ये आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो इसमें हम पहले तो है श्लोक और कविता का गान कराएंगे। संगीत सुनना
या गाना किसको पसंद नहीं है, गाना तो सबको पसंद होता है और वो भी जॉयफुल लर्निंग हो जाता है। सब बच्चे इतने आनंद से जोर शोर से, जो भी श्लोकों का गान कराऊँ मैं, जो भी कविता का गान कराऊँ, वो सब बड़े मज़े से सीखते हैं। तो ये एक मज़ेदार तरीका है। अब दूसरा है, इसके माध्यम से प्रोजेक्ट वर्क भी करते हैं, जैसे प्रार्थना में नाटक मंचन, गायन आदि। नेक्स्ट, अब आगे की एक्टिविटी है कार्ड गेम मिलान, यानी एक कार्ड में संस्कृत शब्द है, दूसरे में उसका चित्र है। जैसे कि आसन दह, तो वो कुर्सी का चित्र इसके साथ जोड़ेंगे। आसन दह संस्कृत में है, इसका मतलब होता है कुर्सी। तो ये दोनों जोड़ मिलाएंगे, खोजेंगे इसमें से कार्ड, और एक के बाद एक बच्चे आएंगे, उसको बड़ा मज़ा आएगा ये गेम में। इसी तरह से दूसरा है TLM, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें हम प्लेस कार्ड बनाएंगे और जो विसर्ग वाले शब्द है, जो कठिन शब्द है, उसका एक के बाद एक उच्चारण करवाएंगे। इसके बाद में आता है जैसे कि वस्तु प्रदर्शन, यानी कक्षा में जितनी भी चीज़ें हैं उसका हम प्रदर्शन करवाएंगे, उसके बारे में हम प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि आसंदह एतत् किम, आसंदह, जैसे कि ऊपर फैन है तो उसके लिए कहेंगे एतत् किम, बच्चे बोलेंगे एतत् व्यजनम, एतत् किम तो एतत् द्वारम, एतत् वातायनम, यानी विंडो को वातायनम कहते हैं। इसी तरह से कक्षा में जितनी भी चीज़ें हैं, दंड दीपह ट्यूबलाइट, तो वो सब चीज़ों का बार बार पुनरावर्तन करवाएंगे। और इसके नीचे आप जो फोटो दिख रहे हैं, इसमें तोरण है। तोरण यानी एक सजावटी लटकन है, ये प्रवेश द्वार पर लगाई जाती है, जिसमें छात्रों की मदद से हमने वाहनों के, फूलों के, फलों के, सब्जियों के आदि के नाम इस तोरण में लगाए हैं। और ये इनोवेशन फेयर में और टीचर लोग भी देखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का इनोवेशन था ना इसमें। नेक्स्ट, अब है घड़ी का बैनर, यानी संस्कृत में समय सीखना भी आता है, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं एक बजा, तो इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। इसी तरह से घड़ी का बैनर है, इसमें इसका समय बताया गया है, उसका चित्र भी है। इसके पास में है क्रियापदानी, यानी क्रिया को क्या कहते हैं, जैसे कि हंसना तो हंसती, रोना रोदती, चलना चलती, इस तरह से ये शब्द भी सीखेंगे। नेक्स्ट, अब हम आगे वाली, हाँ, अब हम देखेंगे कि इतना कुछ करने के बाद, अभी इसके बैक, हाँ, इतना कुछ करने के बाद बच्चे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम और एक्टिविटी कराएंगे। जैसे हमने सिखाया तो सही, लेकिन मूल्यांकन के तौर पर उसको कितना आता है ये भी हमें चेक तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक कार्ड में शब्द रखेंगे, दूसरे में उसका अनुवाद रखेंगे, उसकी भी जोड़ी बनाएंगे। और इतना सीखने के बाद, शिक्षक की कड़ी मेहनत के बाद, वो 5-7 वाक्य तो संस्कृत में बोल ही सकते हैं। अब हम देखेंगे वीडियो प्ले। नेक्स्ट, ये वीडियो तो लंबा है, लेकिन हम उसकी झलक ही दिखा देते हैं। ये एक बच्ची बोल रही है, वो घर जाकर हमें वीडियो भेजती है, यहाँ जो सीखा है वो। तो ऐसे कई बच्चे इस तरह से सीखते हैं। अब है सिटी के माध्यम से हमने क्या किया, तो यूट्यूब पर मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाकर रखे हैं, जैसे कि चित्र पदानी, सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह, गाना, ये सब। और उसका लिंक बच्चों को भेजा है, और ये दिखते हैं आपको, QR कोड भी मैंने बनाया है। तो ये सब बच्चों को हम WhatsApp पर भेजते हैं, और वो घर जाकर
खुद का वीडियो बनाकर हमें भेजते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा ना, ऐसे व्हाट्सएप पर वो हमको भेजते हैं। इसमें क्या है कि एक बार सीख लेने के बाद वो घर जाकर भी संस्कृत सीखते हैं, और सिर्फ हमारे स्कूल के ही बच्चे नहीं, सिटी के माध्यम से सारे गुजरात के बच्चे भी यूट्यूब पर देखकर पढ़ते हैं, और वो दूसरे टीचर के वीडियो भी देख सकते हैं। अब इस वीडियो में वो लड़की जो है वो पढ़ रही है, और मुझे उसका वीडियो बनाकर उसने भेजा है। नेक्स्ट, अब इतना कुछ करने के बाद इसका परिणाम क्या आया, उसका रिजल्ट क्या मिला हमें, तो हम इसमें देख ही सकते हैं ग्राफ में कि पहले 50 छात्र तक ही संस्कृत बोल पाते थे, पढ़ पाते थे, लेकिन इतना कुछ करने के बाद अभी 100 से ज़्यादा छात्र अपना खुद का परिचय दे सकते हैं, काव्यगान कर सकते हैं, श्लोक पढ़ सकते हैं, और वेदों के बारे में यानी हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में वो भी जानना चाहते हैं, जैसे कि गीता है, रामायण, उसके श्लोक भी पढ़ना चाहते हैं। जो पहले संस्कृत को कठिन पाते थे वो अब आसानी से पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट, अब है हमारा मकसद क्या था, तो इसका निष्कर्ष यह है कि हमने इस चुनौती और रणनीतियों को तैयार करके संस्कृत को सरल भाषा बनाने का प्रयत्न किया, उसमें कॉन्फिडेंस लाने का प्रयत्न किया, और अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को उजागर करना। जैसे कि संस्कृत हमारी 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी भाषा है, लेकिन आजकल लोग संस्कृत भूल रहे हैं, तो इसको उजागर करने के लिए मैंने जो भी प्रयत्न किए वो मेरे से जो भी हो सका वो किया है। अब अस्तु, जय हिंद, जय भारत। या थैंक यू पारुलबेन। नेक्स्ट वी हैव मेहुल कुमार प्रजापति। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मेहुल कुमार एम प्रजापति, गोविंदपुरा अनुपम प्राथमिक शाला, तहसील विजापुर, डिस्ट्रिक्ट मेहसाना और स्टेट गुजरात सीव में। मेरे जो ये इनोवेशन किया है वो स्टैंडर्ड 6 to 8 में 81 स्टूडेंट है, और इसके अलावा ये जो मेरा कार्य है वो गुजरात के कई स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ है। और बात करें तो मेरी एक समस्या ये थी कि ICT और टेक्नोलॉजी का यूज़ मैं पहले से करता आया हूँ, तो जब बच्चों को कक्षा में शॉर्ट क्वेश्चंस और जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं सही जोड़ के होते हैं, और जो ट्रू और फेल्स होते हैं, ऐसे जो प्रश्न होते थे उनको जब बच्चों को मैं पढ़ाता था और जब उनका मूल्यांकन करता था, तो उस समय उसमें मुझे अच्छा परिणाम जो चाहिए था वो नहीं मिलता था, क्योंकि बच्चे घर पे क्या करते थे, वो पुस्तक में से या उनके पास जो भी संसाधन थे, साहित्य थे, उसमें से पढ़ के मौखिक रूप से तैयार करते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसमें कुछ नया करना चाहिए, तो मैंने उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और मैंने स्टैंडर्ड 6 to 8 सोशल साइंस के फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम के एक प्रश्न बैंक तैयार की, और उसको मैंने एक टेस्ट मोड कर ओपन सोर्स है, जिस एप्लीकेशन में मैंने वो सारे क्वेश्चंस डाल दिए, और उसमें हर एक इकाई में, हर एक एकम में 20 से 25 से ज़्यादा प्रश्न थे, और सभी का स्वरूप अलग अलग रूप से था, और ऐसे मैंने बनाए और उसका उपयोग किया। उसका आप देख सकते हो इसका लुक इस वाइज रहता था। नेक्स्ट, अब मैंने साहित्य तो निर्माण कर दिया था, लेकिन चैलेंज ये था कि बच्चों को मैं किस माध्यम से उनके पास पहुँचाऊँ अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चों को वो तो तैयार हो गया, लेकिन जब स्कूल की बात करूँ तो मेरे स्कूल में बीजापुर तहसील की सबसे अंतरियाल स्कूल थी,
पे मेरी पहली वाली स्कूल थी, तो वहाँ पे जब मैंने ये कार्य किया था तो उस वक्त मैंने ऐसे सोचा कि मेरे पास जो भी कंटेंट है उसको मैंने QR कोड में कन्वर्ट कर दिया और उसकी PDF फाइल कर दी जो टचेबल था, और वो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों के ग्रुप में डाल दिया था। जब भी बच्चे वो क्विज़ खेलना चाहते थे जो भी एकम की, वो उसमें क्लिक करके और वो अपने मोबाइल में खेल सकते थे। इसके अलावा मेरे स्कूल में 7 टैबलेट पे थे, गुजरात की 10 स्कूल में सिलेक्ट हुई थी जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से टैबलेट दिए गए थे, तो मेरे स्कूल में भी 7 टैबलेट दिए गए थे, तो उसका भी मैंने यूज़ किया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, तो स्टैंडर्ड वाइज ऐसे चार्ट बना दिए थे और हर एक क्लास में स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में रख दिए थे। तो जब भी बच्चों को इसका क्विज देनी थी तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से वो QR कोड स्कैन करके सीधे वो क्विज दे सकते थे। और जो बाजू में कंप्यूटर लैब थी वो भी मुझे CSR फंड में से मिली थी, गुजरात की 4 स्कूलों में ये प्रोवाइड किए थे। कलकत्ता की एक ZK बेरिंग फाउंडेशन है, उसने गुजरात की 4 स्कूलों में ये कंप्यूटर लैब दी थी, वो भी मेरे को मिली थी। अब ये तो हो गया, अब बच्चों के पास वो PDF फाइल भी थी, तो उसमें भी मैं कई बार ऐसा होता था कि घर में एक ही मोबाइल था, तो क्या होता था कि वो कई बार वो PDF फाइल उनके पिताजी के पास मोबाइल हो, ऐसा घर में दूसरे बच्चों के पास हो, तो डिलीट हो जाती थी। तो इसके लिए मैंने एक ऐसा सोचा कि जो भी QR कोड बनाए थे मैंने, वो सारे QR कोड की प्रिंट आउट निकाल दी, और जो एक्सरसाइज होती है बुक में स्टैंडर्ड 6 to 8, उस बुक की जो एक्सरसाइज होती है वहाँ पे हर एक्सरसाइज के वहाँ उस एकम का QR कोड चिपका दिया बच्चों की बुक में, जिससे क्या होता था कि जब भी बच्चे वो खेलना चाहते थे तो उस एक्सरसाइज में उनको मिल जाता था। तो ये मेरा प्लान हुआ था, ये मैंने इनोवेशन भी रखा था जो मेरा स्टेट में भी पहुँचा हुआ था। नेक्स्ट, हाँ, इसके अलावा गवर्नमेंट के तरफ से और मेरे भी सहयोग से स्कूल में स्मार्ट पैनल और वो आया हुआ था, तो उसमें भी ये बहुत ही उपयोगी हुआ। वहाँ लिंक में टच करके बच्चे सीधे ही ऐसे स्मार्ट पैनल में वो क्विज खेल सकते थे। इसका फ़ायदा क्या हुआ, बच्चे घर पे तो खेलते थे लेकिन यहाँ पे इस माध्यम से खेलने से बच्चों को सीधा ही उसका परिणाम वो जान सकते थे। और इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा ऐसा हुआ कि बच्चे जो एक क्लास में सब बच्चे और एक बच्चा क्विज देता है उसका जो परिणाम आता है वो सब बच्चे जानते हैं, तो दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो इसको कैसे आगे ले जाए और कैसे इसकी ज़्यादा तैयारी करे। नेक्स्ट, हाँ, तो ऐसे ही जब मैंने किया था तो ऐसे भी चार्ट मैंने क्लासरूम में भी लगवा दिए थे, और इसके अलावा जो अच्छे से वीडियो थे, मेरे खुद की भी एक यूट्यूब चैनल है जो जिसमें मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, तो उसमें भी मैंने ये सब रखा हुआ था, तो बच्चे वहाँ से भी QR कोड स्कैन करके वो ये सब उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेस्ट मोज को का उपयोग किया, लेकिन इसके अलावा क्विजीज, काहूत, क्विजलेट, H5E ऐसे कई सारी एप्लीकेशन है ओपन सोर्स, उसका भी मैंने उसमें उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, अब ये मेरी स्कूल की बात हो गई। अब मैंने सोचा कि स्कूल के बच्चे तो अच्छी तरह इसका यूज़ कर रहे थे, अब मेरे पास सब सोर्स तो थे, तो इसको मैं बड़े समूह में कैसे पहुंचा सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने MIT ऐप इन्वर्टर का यूज़ किया और एक खुद की ऐसी एप्लीकेशन बना दी जो प्ले स्टोर में भी है। तो इसमें मैंने ऐसे विभाजन कर दिया, स्टैंडर्ड 6, 7, 8, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और ऐसे पूरा, और ऐसे इसमें मेरी यूट्यूब चैनल भी है, मेरा ब्लॉग भी है, तो सब बच्चे वहाँ से भी सीधे ही एक्सेस कर सकते थे। और ये सबसे बड़ी बात है, IIM अहमदाबाद जो है उसका एक इनोवेशन सेल चलता है, उनकी एक वेबसाइट है www.insort.org, उसके टीचर कॉर्नर में भी मेरी एप्लीकेशन को स्थान मिला था, जिससे क्या हुआ कि पूरे गुजरात में जो मैंने सोर्स तैयार किया हुआ था वो बड़े समूह में पहुंच गया। और इसके साथ ही बच्चे, जब भी कोई भी बच्चा एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहता था सीधे यहाँ से ही वो क्विज खेल सकता था, और इसमें 1200 भी ज़्यादा क्वेश्चन थे और क्वेश्चन का स्वरूप भी अलग अलग था। और इसमें क्या होता, मैं ऑटो सफल रखा हुआ था, बच्चा एक बार यूज़ कर देता है तो दूसरी बार वो क्वेश्चंस का जो क्रम होता है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, मतलब बच्चे को हर बार कुछ नया नया लगता है कि जो क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम फर्स्ट आता है वो दूसरी बार लास्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट, ये मेरा एकम था स्टैंडर्ड 6 का, तो ये रिस्पॉन्सिव देख सकते आप, बड़े पैमाने पर कई बच्चों के साथ वो पहुँचा था और पूरे लोग उसको यूज़ करते थे। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात है, कब हम मूल्यांकन को
हम कैसे जान सकते कि बच्चों को किस में कठिनाई पड़ती है? तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यहाँ मिला कि यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों का नाम आ जाता है, ये पूरा हम CVS फाइल में हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन बच्चों को कठिन पड़ता है। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन पे रखेगा तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, और उससे पता चलेगा कि बच्चों को इस क्वेश्चन में सबसे कम मार्क्स आए सभी बच्चों को। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कम या ये टॉपिक में ये जो मुद्दा है ये बच्चों को समझने में कठिनाई पड़ती है, तो हम उसके आधार बच्चों का मूल्यांकन के आधार पर उसका उपचारात्मक कार्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, जो मैंने कहा कि ये टीचर कॉर्नर में यहाँ पे जो स्थान मिला है IIM की जो है पोर्टल है insode.org, तो इसमें भी ये रखा हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, और इसके अलावा इन्होंने जो बुकलेट बनाई है IIM द्वारा 32 ICT टीचर्स इन गुजरात, तो उसमें भी ये सार्थ जो पूरे गुजरात में हुआ था IIM के माध्यम से और GCRT और SSA के माध्यम से, तो उसमें भी ये मेरा जो है कार्य उसको भी उसमें स्थान मिला था। ये उसका पूरा प्रयोग है जो उसमें बुक में रखा गया है। हाँ, जब कंटेंट की बात है तो जब उसके अलावा भी, क्योंकि क्या हो एक सभी बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर टेस्ट मोड में जब क्विज देते हैं, तो उसके अलावा मैंने ऐसे सोचा तो ICT का इवोल्यूशन में कैसे यूज़ कर सके, इसके लिए मैंने टेस्ट मोज S5E वंडरशेयर क्विज क्रिएटर, जो कई बार क्या हुआ नेट की दिक्कत होती थी, तो मैंने इसमें ऑफलाइन क्विज क्रिएट की वंडरशेयर में, तो इसका भी गूगल फॉर्म्स ये सभी का मैंने यूज़ किया था बच्चों को इसके माध्यम से ले जाने के लिए। नेक्स्ट, या थैंक यू मेहुल कुमार जी। नेक्स्ट वी हैव तृष्णा परमार फ्रॉम PM श्री चलाली प्राइमरी स्कूल। नमस्ते, मैं तृष्णा परमार PM श्री स्कूल चलाली गुजरात से। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी मैं 6 से 8 कक्षा में मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैथ्स और साइंस। तो जो भी मैथ साइंस टीचर है उनको पता ही होता है कि जब तक बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता है तो हम उनको आगे नहीं ले जा सकते, मतलब जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा वो एग्जाम्पल्स नहीं गिन सकते। तो मैंने उनके बेसिक के लिए थोड़ा वर्क किया है, जो मैंने पहले उनको जो प्रॉब्लम्स थी कि वो बच्चे को कहाँ पे वो रुकता है, मतलब टेबल्स उनको याद रखने में कन्फ्यूज़न होता है, वो भूल जाते हैं बार बार, फिर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, उनमें कन्फ्यूज़न होता है, फिर नेक्स्ट ऑड इवन नंबर्स में कन्फ्यूज़न होता है।
हेलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। अभी हम फिर से जिससे अटके थे वैसे ही शुरू करते हैं। तो फिर मैंने बच्चों को जो जो दिक्कतें आ रही थी मैथ्स में उनका एक प्री टेस्ट लिया, मतलब जो बेसिक होता है उनका मैंने क्वेश्चनरीज बनाई, और उसमें से मुझे पता चला कि वो ऑड नंबर इवन नंबर में कंफ्यूज थे, फिर डिविजिबल नंबर प्राइम नंबर में उनको कंफ्यूजन था, फिर जो FLN के स्टूडेंट है उनको तो न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती थी, तो और जो नंबर लाइन आती है उनमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर मैंने बहुत सोचने के बाद एक ऐसा गेम बनाया कि जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही गेम में बच्चे खेल के वो क्लियर कर सके। नेक्स्ट साइड। तो ये इस गेम में क्या है, बच्चों को सर्कल में बैठ जाना है जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं, और बच्चों का जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे रखना है और उसके ऊपर उसका राइट हैंड रखना है। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि चलो एक से शुरू करो, तो वो बच्चे एक दो ऐसे ऐसे टैपिंग करते हुए जाएंगे और बोलते जाएंगे। और फिर मैंने उसमें ट्विस्ट लिया कि बच्चों को बोला कि एक एक का स्किप करना है, मतलब एक फिर उसके बाद तीन फिर उसके बाद पांच ऐसे, तो बच्चों ने ऐसे बहुत ही आसानी से कर दिया। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी पर जैसे जैसे गेम खेलते गए उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा, और उन्होंने ऐसे मेरे जो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट उनको मुझे क्लियर करवाने थे उसमें इम्प्रूवमेंट मुझे मिला। वो उसमें मैंने क्या क्या वेरिएशन लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखो, जैसे कि इधर एक नंबर तीन नंबर उसमें बच्चे हैं, वो बच्चे हैं ऐसा आपको समझना है। फिर बच्चा उसको टैपिंग करके बोलता है तीन, फिर वो बच्चा बोलता है फाइव, तो इससे उनके ऑड नंबर्स क्लियर हो गए, उनको पता भी नहीं चला कि हम क्या सीख रहे हैं। फिर जब मैंने ये सब करा दिया तब मैंने उनको बताया कि आप जो ये खेल रहे थे वो उस वो जो नंबर्स का ग्रुप बन रहा है वो ऑड नंबर्स है। फिर दो चार छः आठ ऐसे मैंने उनको बताया, तो फिर दो दो का स्किप लेके तो दो का टेबल भी तैयार होने लगा और इवन नंबर्स भी उनको तैयार होने लगे। फिर डिविजिबल नंबर और प्राइम नंबर्स भी मैंने उनको इसी तरह से सीखा है। जब मेरा नेक्स्ट जब मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ तब तक तो मैंने यही किया था, पर फिर बाद में मुझे उसमें और आइडियाज़ भी देखने मिले। तो फिर मैंने उसमें क्या किया, प्राइम नंबर्स में जैसे ये नंबर लाइन होती, अरे सॉरी नंबर लाइन में जैसे हम ये अंक लिखते हैं 0 1 2 3 ऐसे, तो मैंने एक ज़मीन पर नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और बच्चों को इधर खड़ा कर दिया, बोले एक बच्चा तू 0 है, तू 1 है, तू 2 है, ऐसे बच्चों को खड़ा कर दिया। अभी मैं उनको बोलती कि मैंने उनको सिखा दिया कि प्लस करना है मतलब राइट साइड पर जाना है और माइनस करना है मतलब लेफ्ट साइड पर आना है। तो बच्चों को मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है कि 2 + 3 बोला, तो जो 2 पर खड़ा हुआ बच्चा था वो आगे जंप करके आता, स्किप करता, 2 से 3 कदम राइट साइड जाता और वो जहाँ खड़ा हो जाता वहाँ 5 नंबर होता था। मतलब उसको अभी ऐसा समझ में आने लगा कि मैं नंबर लाइन में जो ऐसे एडिशन करता जाऊँगा मेरा आंसर सही होता जाएगा। फिर उसमें मैंने सब्ट्रैक्शन भी ले लिया कि जैसे 2 - 3 है तो बच्चों को 2 से लेकर लेफ़्ट साइड में 3 कदम पर जाना है, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें 0 से शुरू करना है, 2 by 3 है तो 2-2 कदम का स्किप लेना है, 2 फिर 2 फिर 2 मतलब 6 पर बच्चा चला जाएगा, तो वो उसका जो नंबर लाइन का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी बढ़िया तरीके से क्लियर होता जाएगा। अभी उसमें मैंने और एक ऐड किया, ऑपोजिट नंबर और इनवर्स नंबर, तो मैंने क्या किया वो प्रीवियस, हाँ ऐसे बच्चों को ऐसे खड़ा कर दिया, इधर 1 से 10 तक बच्चे बोलेंगे, मैं 1
दो तीन ऐसे, और उसके सामने मैंने बच्चों को बता दिया था कि तुम माइनस वाले हो, मतलब माइनस एक हो, माइनस दो हो, माइनस तीन ऐसे। अभी मैं बोलूँ कि दो, तो दो के सामने वाला बच्चा माइनस दो वाला बीच में आके खड़ा हो जाता और बोलता मैं माइनस दो, दो का ऑपोजिट। फिर मुझे इसमें बच्चों का जो माइंड है वो उसमें यूज़ नहीं हो रहा था, मतलब उसको पता ही होता था कि मेरे सामने वाला ही मेरा आंसर है। तो फिर मैंने उसमें ट्विस्ट कर दिया और बच्चे जो एक से दो दस तक थे वो उनको वैसा का वैसा रखा और सामने वाले बच्चे की जगह बदल दी। माइनस एक से माइनस दस तक के वाले बच्चे थे उनकी मैंने जगह बदल दी। अभी अभी बच्चों को याद रखना पड़ता था कि मैं बोलूँ चलो अभी तीन आओ तो तीन वाला जंप करके बीच में आता, पर वहाँ से सामने की लाइन में से जो माइनस तीन होता था उसे ही वहाँ आना पड़ता था। अभी वो बोलते थे मैं माइनस तीन, तीन का ऑपोजिट। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट इनवर्स नंबर में भी यूज़ किया है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी मैंने जैसे पहले ही बोला कि मुझे शुरुआत में दिक्कत आ रही थी कि बच्चे क्या करते थे, वो स्किपिंग गेम में टैपिंग करते थे, नंबर भूल जाते थे, फिर नंबर बोल देते थे, वो एक्साइटमेंट में नंबर बोल देते थे, टैपिंग करना भूल जाते थे, फिर जो बच्चे थे उन्होंने मैंने जब बार बार उनको प्रैक्टिस कराई तो वो बहुत अच्छी तरीके से खेलने लगे। अभी क्या होने लगा कि जैसे ये बच्चा है वो तीन बोलता है तो उसके बाजू वाले बच्चे को सोचना पड़ता है कि तीन के बाद मेरा क्या आएगा, मेरा क्या आएगा, तो वो पहले से ही अपने दिमाग में वो सोच के टैपिंग करने के लिए रेडी होते हैं। और हर बार जब मैं इनको ये गेम खिलाती हूँ तब वो खेलने के लिए बोलती हूँ तब वो और भी ज़्यादा एंथुसियम के साथ और जीतने के जज्बे के साथ वो गेम खेलते हैं। नेक्स्ट। अभी ये मेरा पूरा गेम था जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अभी इसमें मैंने सिटी कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है तो मैं उनको डेटा बोल देती थी, मतलब एक से सौ तक की अंक लेने हैं, माइनस एक से शुरू करना है, मतलब वो माइनस नंबर से आएंगे तो उनके पास एक डेटा आ जाता था। फिर जब मैं उनको बोलती थी एक एक का स्किप करो, दो दो का स्किप करो, वहाँ पे पैटर्न भी बनता जाता था और वो डेटा का एनालिसिस भी होता था कि एक तीन पाँच सात मतलब और नंबर, टू फोर सिक्स मतलब इवन नंबर, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व मतलब तीन का टेबल, ऐसे डेटा उनका एनालाइज होता जाता था। फिर जैसे वो डेटा एनालाइज होता था तो वो अंकों का एक ग्रुप बनता था, मतलब कि एक तीन पाँच सात वो है ऑड नंबर्स, ऐसा एक ग्रुप बनता जाता था। तो उधर में उधर डिकम्पोजिशन हो गया। अभी बिल्डिंग मॉडल है तो मैंने इसके बारे में अभी सोचा है कि अगर हमें इसके लिए एक मॉडल तैयार करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक से सौ अंकों का यूज़ करके हम एक चार्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें टू टू का स्किप, वन वन का स्किप, ऐसी पट्टियाँ तैयार करके वो बच्चों को ऐसे ही दे सकते हैं। तो वो अपने आप से उनको पता चलेगा कि एक एक का स्किप की पट्टी है, उधर मैं रखता हूँ मॉडल पे तो एक तीन पाँच सात ऐसे नंबर्स आते हैं, तो वहाँ वो इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये एल्गोरिदम है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं एक सर्कल और वो टैपिंग करना है। हाँ, फिर मैंने मेरे कक्षा साथ के 96 स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया था जिसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट्स थे, मतलब होशियार विद्यार्थी भी थे, वो थोड़े वीक स्टूडेंट भी थे, एवरेज स्टूडेंट भी थे। तो मैंने जब जो होशियार थे उनको तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पर जो एवरेज स्टूडेंट थे और FLN के स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैंने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों ली थी और उनका ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट। अभी इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, तो बच्चों का जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, उनका जो मेमोराइजेशन पावर है, उनकी जो एजिलिटी है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिला। फिर उनका जो जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया था वो और भी ज़्यादा क्लियर होने लगा। फिर जो मैथ्स के प्रति उनका इंटरेस्ट था वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ, बच्चे गांव में जाके अपने आसपास के स्टूडेंट को बोलते अभी तो मैथ्स में ऐसे गेम हमें खिला रहे, तो फिर बच्चे ज़्यादा जल्दी आने लगे, मतलब और वो जो मेरा पीरियड आते ही ना कुछ स्टूडेंट्स भाग जाते थे कि अरे तृष्णा बहन का पीरियड है मुझे नहीं बैठना है, तो वो चले जाते थे, तो वो भी कम हो गया है। और स्टूडेंट्स के जो मैंने जो लिए हैं कॉन्सेप्ट के वो
ये लर्निंग आउट्स कम क्लियर करते हैं. नेक्स्ट. हाँ, और मैं अपने रिजल्ट से कह सकती हूँ कि मेरे जो ये मैंने एग्ज़ाम ली है उसका सही डेटा है. तो मैं उससे कह सकती हूँ कि मेरे जो एवरेज स्टूडेंट है वो 52.33 से 70.3 पर आ गए हैं, और जो FLN के स्टूडेंट्स हैं वो 34% से 50.27% तक उनका इंक्रीज हुआ है. ये मेरी यूट्यूब चैनल है. थैंक यू. ये मेरी यूट्यूब चैनल है जो मैंने अपने बच्चों को, मैं उसकी लिंक भी भेजती रहती हूँ और मैं उसमें नए नए वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच कृपा मैम, विपुल सर, सोनिया मैम एंड जिसने भी मुझे यहाँ आने का मौका दिया, उन सबको थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चन? थैंक यू. थैंक यू वेरी मच मैम. Yeah, thank you, Trishna ma'am. Next, we have Hasmukh Kumar Chaudhary from Balwa Primary School, Balwa. Namaskar, Sabiko. Myself, Hasmukh Kumar Chaudhary from Balwa Primary School, Gandhinagar, Gujarat. ये जो एक्टिविटी है सिटी इन साइंस में जो मैंने की है उसका टाइटल है स्टूडेंट लर्न एंड परफॉर्म एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट यूजिंग लेबल्स एंड सिमुलेशन. काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं ना उनको मैथ साइंस का पीरियड आता है तो पहले ऐसा माहौल था कि निकल जाते थे, सर खेलने भेजो, मैथ्स का पीरियड आए, साइंस का पीरियड आए. तो अभी क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है. तो इन कन्वेंशनल पहले कैसा था कि जो एक्टिविटी होती है एक्सपेरिमेंट होता है तो टीचर आता है फिर उसको सीधा स्टोरी की तरफ बोल देता है कि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसा है, तो डिस्कस करके वो चले जाते थे. तो बच्चों को उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी कि भाई पूरा प्रोसेस कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें से क्या निकल कर आता है, रियल लाइफ के साथ उसको कैसे हम जोड़ सकते हैं, वो सब मिस होता था. सो जो लर्निंग आउटकम होता है वो फिर अचीव नहीं होता है. तो मैंने क्या किया, मैंने भी ये फेस किया था पहले क्योंकि मैं भी ऐसा ही पढ़ाता था बच्चों को कि भाई स्टोरी की तरह समझा देते हम. फिर 2022 से तो सिटी के साथ हम सिटी आईएएस टीसीएस गांधीनगर उसके साथ जुड़े हुए हैं और 2022 से काम कर रहे हैं. तो लास्ट सेमेस्टर में जो दूसरा सेमेस्टर था जो लास्ट ईयर गया उसका, तो उसमें मैंने एक काम किया था. तो एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक एप्लीकेशन बनाया है, उसका नाम है जी शाला प्लस, स्पेशली डिज़ाइन फॉर मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट टीचर्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन 6 to 8 स्टैंडर्ड. तो उसमें क्या है कि आप सिमुलेशन का यूज़ कर सकते हो वो एप्लीकेशन में, मतलब कि जो एक्टिविटी है या एक्सपेरिमेंट है उसको आप 3D में दिखा सकते हो. हम सब ने देखा है कि भाई 3D में वो हार्ट हम देखते हैं तो कैसा लगता है, पूरा वो गोल घूमता है ऊपर नीचे 360 डिग्री, तो उसको पता चलता है हाँ हार्ट ऐसा होता है पूरा. हम ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि इधर हार्ट है, हार्ट ऐसा होता है, और जब इसमें दिखाते हैं तो उनको पता चलता है नहीं रियल में हार्ट कैसा होता है. तो ये सिमुलेशन है. तो ये एक्टिविटी का पिन होल का जो एक्टिविटी आता है साइंस में, तो उसमें हम इसको घुमा भी सकते हैं, 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो इमेज देखने को मिलती है वो कैसे जनरेट होती है इसको भी हम मूव कर सकते हैं, वो स्क्रीन में जो स्क्रीन होता है उसमें इसको मूव कर सकते हैं, स्टूडेंट खुद भी कर सकता है ये एक्टिविटी. तो ये सिमुलेशन का यूज़ किया है, फिर थोड़े चार्ट भी दिखाए हैं. फिर स्टूडेंट को क्या किया, मैंने पीयर ग्रुप में बांट दिए अलग अलग, और जो पीयर ग्रुप मैंने बनाए थे स्टैंडर्ड 6 मैंने लिया
तो उसमें 30 बच्चे थे, तो 6-6 बच्चे मैंने ले लिए, 5 ग्रुप बना दिए। अब जो ग्रुप बनाए थे उसमें बच्चे कोई फास्ट लर्नर था, कोई मीडियम लर्नर था, कोई स्लो लर्नर था, ऐसा मैंने ध्यान रखा था उसमें, क्योंकि उसका जो आउटकम निकल के आया वो एवरेज हो। तो फिर आगे मैंने क्या किया कि उनको लैब में ले गया मैं उनको, बच्चों को पहले क्लास में सिखाया सिमुलेशन की मदद से। फिर जो सिमुलेशन में आपने देखा कि भाई उसका नाम निर्देशन कैसे होता है, हर एक एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट होता है। सपोज यहाँ पे आप देखिए एक एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं छोटा, कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग जो चीज़ें होती है उसको हम सर्किट का यूज़ करके कैसे पहचान सकते हैं। तो बच्चों को मैंने बोला कि भाई आप पहले अब लेबल बनाइए, तो उन्होंने लेबल बनाया है भाई के कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग चीज़ें होती है, टॉर्च बल्ब है, स्विच है, सेल है, ठीक है, तो ये सब का लेबल बनाया। फिर जो लेबल है जिसके पास, वो लेबल के अकॉर्डिंग बच्चे को समझाया। फिर बच्चे को खुद प्रिपेयर करना होता है उसमें कि हाँ भाई मेरे पास ये टॉर्च बल्ब है, तो सर ने रखा है टॉर्च बल्ब इधर, वो इसका तो पीला लाइट है, तो पीला क्यों है सर, एलईडी भी रख सकते हैं, बच्चे ऐसे भी सवाल करते हैं, तो सोचते हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है यहाँ पे काफ़ी सारा। तो हर एक बच्चा जो होता है वो अपना जो लेबल है वो लेबल खुद समझता है, वो लेबल का इम्पोर्टेंस क्या है, वो इसमें कैसे काम करता है, वो सब उसको समझना है। तो जो साइंस का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो बेसिक उसका जो कंसेप्ट होता है, वो यहाँ पे उसका क्लियर होता है बच्चे का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है, पास में दूसरी भी एक एक्टिविटी है। अब बच्चे क्या है कि ये खुद करेंगे, फिर मैं उनको पूछूंगा कि हाँ भाई ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसका सब मैकेनिज्म होता है, क्या आउटपुट निकल कर आता है, फिर ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा हमारा एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट बन जाता है। ये सभी चीज़ों को हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका फिर इसका जो लर्निंग आउटकम्स होता है उसको भी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट करना। हाँ देखिए यहाँ पे कि ये जो 5 पीयर ग्रुप हमने बनाए बच्चों के, तो अब हर ग्रुप में सेम जो एक्सपेरिमेंट का साधन होता है वो हम नहीं दे सकते, तो हर एक ग्रुप में अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम देते हैं और उसमें उसको उनको लेबल का यूज़ करके ये एक्टिविटी फिर खुद करनी है बच्चों को। नेक्स्ट करना। ये देखिए पहले सिमुलेशन से कैसे पढ़ाता है, ये टॉर्च जो होता है, ये बल्ब सॉरी टॉर्च, वो टॉर्च के सारे पुर्जे ये यहाँ पे अलग किए हुए हैं, हम देख सकते हैं कि भाई टॉर्च में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर बच्चों को दिखाते हैं इसमें, बहुत एक अच्छी बात वो भी है कि जीशाला प्लस जो एप्लीकेशन है उसमें क्वेश्चनरी भी आती है, बच्चा खुद उसका आंसर देता है और रिजल्ट भी वहाँ पे शो करता है कि भाई आपका आंसर सही है या नहीं है। सही नहीं है तो फिर आप चेक कर सकते हैं उसका कंसेप्ट इसमें। और यहाँ नीचे हम देख सकते हैं कि लैब के अंदर ये जो पूरा एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म किया है। नेक्स्ट करना। ओके, इसमें सिटी का कैसे यूज़ किया है, तो डीकम्पोजिशन, तो जो पूरा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी था उसको छोटे छोटे हिस्सों में हमने उसको बांट दिया। जो लेबल्स थे हमारे, वो लेबल्स क्या थे, डीकम्पोजिशन। फिर पैटर्न, इसमें पैटर्न क्या निकल के आती है, तो ये सर्किट वाला जो एक्सपेरिमेंट है तो उसमें एक ऐसी पैटर्न बनती है कि भाई आप कंडक्टिंग चीज़ें उसमें उसके सर्किट में डालते हो बीच में, तो टॉर्च बल्ब ऑन होता है, और आप जब नॉन कंडक्टिंग चीज़ें उसमें रखते हो तो टॉर्च बल्ब ऑन होता नहीं, वो ऑफ होता है। ऐसे एब्स्ट्रैक्शन, तो हमें कुछ उदाहरण चाहिए कि भाई कंडक्टिंग मटेरियल कौन से है,
तो स्टूडेंट सोचेगा कि हाँ भाई टॉर्च लाइट ऑन होती है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, जो ऑफ होती है उसका तो उसे सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे एब्स्ट्रैक्शन, फिर इसका अल्गोरिदम कि भाई पूरा प्रोसेस कैसे होता है, हर एक एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी का अल्गोरिदम अलग अलग होता है। नेक्स्ट करना। ओके, कुछ चैलेंज भी आई है ये करने में, फॉर एग्जाम्पल के बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो आते हैं हमें पता है कि भाई उनका परिवार कैसा होता है, सब टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं होती, गांव में ऐसा होता है। फिर लेबल के अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना और शॉर्ट टाइम में पूरा प्रोसेस पूरा करना, ये सब चैलेंज है। इसका कंटिन्यूस और कांस्टेंट इवोल्यूशन करना भी थोड़ा चैलेंजिंग है। तो ये और इसका इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट में तो देख सकते हैं कि भाई इंटरेक्टिव होता है, बच्चों को मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, खुद करते हैं। अब तो ये पूरा ऑटो मोड पे हो गया है मेरा ये काम, बस बच्चों को पता है कि हमें सीखना है ऐसे करना है। तो जो लर्निंग आउटकम्स किसी के अचीव नहीं होते तो बच्चे खुद भी अपने आप करते रहते हैं जब तक सीखते हैं तब तक, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे उनको सिटी फॉलो करना पड़ता है कंपलसरी, क्योंकि ऐसा पैटर्न ही मैंने वहाँ पे कर दिया है खड़ा कि उनको सिटी के स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। उसका सेल्फ लर्निंग एबिलिटी, पीयर ग्रुप लर्निंग होता है, उनका डिसीजन पावर भी बढ़ता है, यहाँ पे खुद डिसीजन लेना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको फाइंड करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स, ये साइंस का सेम वन सेम टू, सेम वन सिटी का यूज़ नहीं किया तो 36, सेम टू में सिटी का यूज़ किया था तो 36.09। यहाँ पे साइंस का क्लास सेवन का है 20, यहाँ 23, तो उतना इंक्रीज हुआ है रिजल्ट्स। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं और सबको इंस्पायर कर सकते हैं, ऐसे पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू हसमुख कुमार सर। नेक्स्ट वी हैव चित्रा हार्डिकर फ्रॉम डॉक्टर कलमाड़ी श्यामराव हाई स्कूल। आई जस्ट नीड टू होल्ड दिस राइट, या जस्ट ओके, कुड यू जस्ट गो टू द नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो द टॉपिक दैट आई took for this is for CT. Actually, I'll give you some background of it. It was about water conservation. So water conservation happens to be a part of the topic water resources. Ma'am, next slide if you could go. Yeah. So the base of that was problem solving. I tried to explore CT using problem solving methods, and how I incorporate it, I'll take you through this. So my aim was that children learn to correlate the habits to wasted scenarios, and they are able to recognize the patterns so that they can offer solutions for conservation of water. So I basically focused on two activities. Before taking you through the activities, I'll give you a background. Before we started water conservation subtopic, I asked children to identify the different uses of water, and they came up with things like we use it for cleaning. So when they came up with broad categories, I asked them to decompose that and break it down to smaller activities. For example, cleaning. So cleaning the floor, cleaning utensils, then washing clothes, washing cars, etc. And then that led to the habits, where what all habits that we follow during usage of water that leads to water wastage. So I tried to explore it with two categories, two activities. One activity was who is at work. So normally when you tell children that, okay, you know, while washing, if you keep the tap open, the water wastes. If you pollute water sources, that is also a wastage of water, and so on and so forth. So when you give them in a lecture way, they generally tend to forget. So what I did is I associated them with water waster monsters. So I gave it a face
the water wasting habit a face, and I told children about the habits of that particular monster, which were water wasted scenarios. So they were given various scenarios for water wastage. They had to analyze why the wastage is happening, that the problem, and then they had to offer solutions accordingly. And the other activity which I took was creating a natural water filter. So I'll take you through the activities and the parameters that I used for them. Ma'am, next slide. Okay, so for activity one, water wasted scenarios and problem identification, the students were divided into groups and they were given different problems related to water wastage, different scenarios, in form of stories. Okay, in form of stories, they were given different water wasted scenarios. I have the details in the end. And the goal was to see whether the students are able to correlate the source of water wastage and offer a solution for curbing that wastage accordingly. The problem scenarios that I gave them range from water leakage to a scarcity of water due to leak in taps and polluting water sources, because of which there's a scarcity of water and so on. The activity two which I took was to create water filter using natural materials and used plastic bottles. They were given materials, they were again divided into groups. They were given materials like pebbles, gravel, sand, cotton. They had to use any material they wanted to and layer them in such a way and then check. They were given muddy water and check whichever layer or whichever combination of materials gives the most clear water. So the challenges that I faced for this activity was there is a common perception, because my students were standard three students and they were all from urban areas. So one challenge is that they think that water conservation practices are same everywhere, like, you know, one hat fits all. The other challenge was that they have not seen, you know, water scarcity as such. Most of them have 24/7 water availability in their homes. So it was a little challenging for them to imagine a scenario where there is, you know, scarcity of water, or water does not come, or water is not clean, etc. Then as per them, water wastage happens only when we keep the taps open. You know, for them, that was the only way. If we let the water flow, that is water wastage. They could not think of any other scenarios that could lead to water wastage. So the variations that I took was, I made students understand the actions that led to water wastage, and I gave fictional characters to them. The characters had different habits. So the scenarios that I gave them were also different. So it was not the same scenario to each group. They basically had to read the problem statement. They had to identify which monster was at work and then offer a solution. So if you could just change. So these were some solutions or scenarios that I gave. So there was one monster called Drip Drip. And its habits were that it lets the sink drip all day and night, doesn't care about leaky taps and so on. So they could identify and relate it to a particular monster. So every time they say drip drip, they knew, okay, what are the habits of drip drip? Okay, these are the habits, and they'll keep in mind. The second was rain drain. There were four, five. Rain drain does not like rain. She ensures that rainwater, you know, goes waste or flows from the roof. She doesn't want to collect it. And rain is pain, you know, like that. And then the scenarios that I gave them was, for example, Rishi lives in a village with many small houses. They fill water from a nearby lake. And, you know, during rainy season, good rainfall, but still during summer, the lake dries up. So what solution will you offer? So the rainwater harvesting was a solution that they had to offer. Then which monster is at work? So rain drain was at work here. Because he thinks rain is pain. He doesn't want to do anything with the rainwater. He thinks it's dirty water. Similarly, Arush has shifted to a rented house. They have old taps and pipes in the house. And every night the tank is full, but by the morning, the tank is half drained out and there is no water. So then they had to identify that, you know, drip dip is at work here.
because he has a habit of leaving the taps open or they are leaky taps, and what is the solution? So they need to change the taps, they need to call a plumber and so on and so forth. And I'm just previous. So for assignment, I gave them the scenarios, pictures related to the solutions and the monster. So they had to match and put it all together. So these are some assignments which the children did. For the next activity, which was using water filter using natural materials, they created water filter using natural materials. You can see they had pebbles, gravel, and they had to think of, on their own, which material to use, how much. Since we just put in bags in front of them, they were divided into groups. You take as much as you want and you come up with a solution what material you use more, which results in a clearer water. So for some it was cotton, but then the amount of water that filtered out if they put more cotton was very less. So some identified that if you put more sand and so on and so forth. So the impact they were able to evaluate upon different solutions available for water wastage. They were able to identify the importance of water conservation, and they were able to learn that a simple leak can lead to wastage of gallons of precious water. So this is just an impact. The student tried at his home making a water filter using whatever materials were available. And there was a very funny impact of this, that for kids who use water, waste water, they used to waste water in the washrooms and all. So the kids started naming them as per the monster. So, you know, you're behaving like drip drip, or you're behaving like rain drain, or there was a stinkosaurus also. So, you know, that actually helped them understand the concept in a very fun way. So that's it. Thank you. Any questions? It was standard 3, ma'am. Standard 3 children. Very good. Thank you, ma'am. How long? Ma'am, it took approximately 4 periods. Yeah, but the activity that they did at home, making their own this thing, that was separate. So I did not count it in that. 3 periods. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you, Chitra. Next, we have Premlata Shakya and Rashi Chauhan from School of Scholars, Yavatmal and Beltarodi. यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सुप्रभात. मेरा नाम प्रेमलता शाक्य है और मैं स्कूल ऑफ स्कॉलर यवतमाल से हूँ. मेरा नाम राशि चौहान है और मैं स्कूल ऑफ स्कॉलर्स नागपुर से हूँ. आज के पेपर की थीम है हमारी इम्पैक्ट ऑफ सिटी एक्टिविटीज़ ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग. टाइटल है हिंदी विषय में विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी चयन. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेक्स्ट 2020 की नई शिक्षा नीति NEP ने आज शिक्षा क्षेत्र में 4 चांद लगा दिए हैं. प्राचीन शिक्षा जहां शिक्षक केंद्रित थी, वहीं आज छात्र केंद्रित शिक्षा ने छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना परचम लहरा दिया है और सिटी की स्किल विभिन्न गतिविधियों द्वारा छात्रों में विकसित होने में मदद मिली है. देखा जाए तो 21st सेंचुरी स्किल्स, सिटी की स्किल और हिंदी कौशलों का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़कर छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं. हम भी हिंदी विषय में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन्हें विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं. समस्या की पहचान. हमारा पहला घटक विराम चिन्ह है. यहाँ कक्षा चौथी के छात्रों को विराम चिन्ह पर आधारित पुनरावृत्ति लेते समय कुछ उदाहरण दिए गए और उस उदाहरण में छात्रों को विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा गया. उसके बाद जब छात्रों की नोटबुक जांच करने हेतु ली गई, उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि छात्रों ने उदाहरण एक, जैसे अजय, अभय, सुमित आए थे, वे अभी बाजार जाएंगे. इस वाक्य में छात्र को हमने पहले जब विराम चिन्ह समझाया था तब बताया था कि जहाँ हमें अल्प समय के लिए रुकना
रुकना है वहाँ पर अल्प विराम, और अल्प समय से थोड़ा अधिक रुकना है वहाँ अर्ध विराम, और वाक्य के समाप्ति पर हमें पूर्ण विराम लगाना है। मगर यहाँ पर छात्र ने तीनों जगह पर एक ही विराम चिन्ह का प्रयोग किया। वैसे ही हम और एक उदाहरण लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर जहाँ हमें अल्प समय के रुकना है वहाँ अल्प विराम, और किसी के द्वारा बोले गए वाक्य को अगर जैसा का वैसा लिखना है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है, और वाक्य समाप्ति पर पूर्ण विराम। मगर यहाँ पर छात्र ने मैं के बाद अल्प विराम लगाया जिससे उस वाक्य का अर्थ पूर्णतः बदल गया। इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि छात्रों को वाक्य में विराम चिन्हों को उचित स्थान पर लगाने में समस्या आ रही है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने अलग अलग उदाहरण के द्वारा छात्रों से चर्चा की, और जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, रुको मत जाओ रुको मत जाओ, ये एक ही उदाहरण है, और उस उदाहरण पर मैंने कहीं भी विराम चिन्ह नहीं लगाया, तो यहाँ पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मगर इसी वाक्य को अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ, रुको मत जाओ रुको मत जाओ, तो पहले वाक्य में मैंने रुकने के लिए कहा है, बल्कि दूसरे वाक्य के में मैंने रुकने के लिए नहीं कहा है। वाक्य एक ही है, मगर एक ही वाक्य में अल्प विराम अलग अलग स्थान पर लगाने से उस वाक्य का अर्थ पूर्णतः बदल गया है। यह छात्रों को समझा, और इसलिए हमने कक्षा में किंग ऑफ सेंटेंस इस गतिविधि का आयोजन किया। इसमें छात्रों को चार समूहों में विभाजित किया गया, उन्हें निर्देश दिए गए, और चारों समूहों को विराम चिन्ह के उदाहरण दिए गए, और उन्हें छात्रों को विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा गया। उसके बाद इस चर्चा के बाद सभी छात्रों ने दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए। इतना ही नहीं तो वहाँ कक्षा के समक्ष आकर उन्होंने उस वाक्य को पढ़कर भी सुनाया। तो किंग ऑफ सेंटेंस इस एक्टिविटी द्वारा पैटर्न रिकग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा कोलेबरेशन का विकास हुआ, और इसका लर्निंग आउटकम छात्र वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग भी कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यह हमारा दूसरा उदाहरण है जिसमें छात्रों को श्रुत लेखन हेतु संबंधी कुछ शब्द दिए गए। उन शब्दों की जांच करते समय ध्यान में आया, ये पता चला कि छात्रों ने शब्दों में जैसे किसान, विशेष योग्यता, कहानी, इसमें छोटी ई और बड़ी ई का अशुद्ध लेखन तथा उन्हें समझने में परेशानी आई। श्रवण के कमी के कारण उन्होंने उचित मात्रा का प्रयोग शब्द में नहीं किया, ये ध्यान में आया। नेक्स्ट, इस समस्या के समाधान हेतु हमारी पहली स्टेप में शिक्षिका द्वारा छात्रों को छोटी ई और बड़ी ई हेतु निर्देश दिए गए। उन्हें छोटी ई और बड़ी ई का उचित उच्चारण करके बताया गया, और साथ ही साथ बारह खड़ी में इसके लेखन को समझाते हुए उसके श्रवण भी करवा के लिया और उनसे उच्चारण भी करवा के लिया। इस प्रक्रिया द्वारा छात्रों ने छोटी ई और बड़ी के अंतर को समझा और उसे लिखने में प्रयोग भी किया। दूसरे स्टेप में दूसरे चरण में हमने छात्रों को निर्देश दिया कि उन्हें सिर्फ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करके ही शब्द लिखने हैं। तो श्रुतलेखन हेतु उन्हें सिर्फ छोटी ई की मात्रा वाले ही शब्द दिए गए, जिसमें छात्रों ने लिखित, शिक्षिका और पिकनिक इन शब्दों का उचित लेखन किया और उच्चारण भी किया। तीसरी स्टेप में हमने छात्रों को बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए, उन्हें निर्देश दिया गया, छात्रों ने उसे उचित रूप से सुना और उसी मात्रा का प्रयोग करते हुए उन शब्दों को लिखा, जैसे कीमत, बीमार, चीनी, और उन्होंने जाना कि बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा को उच्चारण कैसे किया जाता है और शब्द में भी उसे कैसे लगाना है। इसके बाद हमारी चौथी स्टेप में छोटी और बड़ी दोनों के मिले जुले शब्दों को दिया गया, तो छात्रों ने अब वहाँ समझ लिया कि हमें छोटी ई का प्रयोग शब्द में कैसे करना है और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट, इसके लिए हमने छात्रों के चार समूह बनाए, फ्लैश कार्ड गतिविधि ली गई जिसके माध्यम से छात्रों के चार समूह बनाए गए और उन्हें दोनों मात्रा के मिले जुले शब्द शिक्षिका द्वारा बोले गए, जिसे सुनकर छात्रों ने अब
समझ लिया था कि छोटी और बड़ी में क्या अंतर है, और उन्होंने अपनी नोटबुक में भी उन शब्दों का लेखन किया, साथ ही साथ उन्हें जो फ्लैश कार्ड दिए गए थे उन पर भी उनका वर्ण और मात्राओं के प्रयोग से उस शब्द का लेखन किया। साथ ही साथ प्रत्येक समूह सामने आता है और उनके द्वारा फ्लैश कार्ड पर लिखे गए शब्द का उच्चारण और उसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है यह सुनाया, जिससे छात्रों ने उस फ्लैश कार्ड पर लिखे गए शब्दों को उचित रूप से और जाना। साथ ही साथ वो स्वयं भी अब छोटी ही और बड़ी ही की मात्रा का प्रयोग करके नए नए शब्दों की रचना करने में सक्षम हुए। साथ ही साथ उन्हें छोटी और बड़ी की मात्रा में भी अंतर समझ में आया और हिंदी के कौशलों का भी विकास हुआ, जैसे पठन, शुद्ध उच्चारण तथा लेखन का। नेक्स्ट, इसका अन्य कक्षा के विद्यार्थियों पर भी असर हुआ कि वो कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, साथ ही साथ उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। टीचर द्वारा दी गई उन्हें जो भी कार्यपत्रिका दी जाती है, मात्राओं संबंधी, शब्द संबंधी, अशुद्ध शुद्ध की पहचान सभी हल करने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ नए नए घटकों को पढ़ने के प्रति रुचि निर्माण होती है, वो कहानी, समाचार पत्र पढ़ने में रुचि लेने लगे हैं, तथा पीछे रहने वाले जो रुचि नहीं रहती है, जिन बच्चों को थोड़े पीछे रह जाते हैं, हिचकिचाते हैं, उन बच्चों को भी इस खेल के माध्यम से पढ़ने में काफ़ी मदद मिली। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती हैं, तो यहाँ हमें भी कुछ चुनौतियाँ आई, जैसे कक्षा के सभी छात्रों को एक ही समय में गतिविधि में शामिल करना, छात्रों की अलग अलग मातृभाषा होने के कारण और 12 खड़ी की अपूर्ण जानकारी होने के कारण। तो इसका समाधान यह हुआ कि हमने समूह गतिविधि का आयोजन किया, छात्रों को हिंदी भाषा की लिपि से परिचित कराया और छात्रों को हिंदी 12 खड़ी के लेखन पद्धति तथा उच्चारण से अवगत कराया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो विराम चिन्ह और श्रुतलेखन संबंधी शब्द थे, तो बच्चों ने विराम चिन्हों के उचित प्रकारों के नाम और उसे वाक्य में किस प्रकार लगाया जाता है यह जाना, चिन्हों से परिचित हो गए। साथ साथ वाक्य रचना करते हुए विराम चिन्हों का भी महत्व जाना कि उसके उचित प्रयोग से वाक्य का अर्थ अनर्थ हो जाता है। छात्र बिना किसी गलती से दिए गए अनुच्छेद पर लेखन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने अन्य साथियों को भी मदद करते हैं, और इसमें सिटी की स्किल द्वारा उनमें हिंदी के कौशल सुनना, बोलना तथा पढ़ने का भी विकास होता है। और इस प्रकार से सिटी की स्किल, डिकम्पोजिशन और एल्गोरिदम का भी विकास हुआ। धन्यवाद। मैं यहाँ 1 मिनट, जस्ट वी आर रियली रनिंग लेट, आई एम सॉरी अबाउट दिस। तो 15 मिनट का ही चाय ब्रेक है, बिकॉज हमारा ये सेशन थोड़ा लंबा खिंच गया। और एक और चीज़, हमारे गोवा टीचर्स हैं, सब लोग हो आप, हाँ, तो इनका सुबह रिक्वेस्ट था कि जो ये गाना गा रहे थे ना, तो हम पैनल का ओपनिंग सेशन इनके गाने से करेंगे, तो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, सुबह सुबह आया मुझे फोन, हम कर सकते हैं मैम, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी आपसे इतनी अभी डीप दोस्ती है कि आप फोन कर सकते हो, सोनिया मैम ये चाहिए। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि माय हस्बैंड वाज आल्सो आस्किंग परसों रात को 12:30 बजे रात को फोन, मैं इधर गेट पे हूँ, क्या करूँ। सो आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ईच वन ऑफ यू हु हैव कम हियर। आई एम सो सॉरी दैट टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, और वो हम 1.5 घंटा बोल के भी भाग रहे हैं, बट अगर हमें सभी टीचर्स को अपॉर्चुनिटी देना है तो ये छोटा सा प्रॉब्लम आप हमारे साथ प्लीज थोड़ा एडजस्ट करें। तो हमारे पास मिसेस आवा मेघे हैं, कम, कैन वी हैव ऑल द टीचर्स हु प्रेजेंटेड ऑन स्टेज, सो वी विल जस्ट टेक अ क्विक फोटोग्राफ, आ जाओ ऑल टीचर्स हु प्रेजेंटेड इन दिस सेशन, कैन यू ऑल कम ऑन स्टेज, फटाफट, चाय नहीं मिलेगी, आ जाओ, ए मां जगत चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सो फॉर मैथ्स देन यू हैव टू गो, बट मैथ्स इज ऑलरेडी ओवर, आप लोग।
I'm calling them. So we have Ankita. Yeah, come forward. Please make it fast. We are short of time. Yeah, next is Anuya. Yeah, thank you. Anuya. Anuya. Come. Certificates de do. Yeah. Nahi nahi bhule nahi main Vipul ko bulane gayi thi yaar. Next is Kirti. No, match is over. Come Sonia. Yeah. Thank you. Yeah, Parul Ben. Photo ho gaya. You can take later. They're all out. Mehul Kumar. Mehul Kumar. अच्छा फोटो लेना है. नो, आई एम गिविंग इट टू देम सो वी डोंट मिस एनीबडी. हसमुख चित्रा. कृष्णा. सर्टिफिकेट दे. एक फोटो ले ले. या फोटो ले लो. फ्रेम लता. ओके राज प्लीज. अब आप आराम से फोटो. ए अदर टीचर्स कैन हैव चाय. वी हैव ओनली 6 मिनट्स टाइम. आ जाओ. Teachers, please front now. Yes. Done. Thank you. I can have done. Congratulations to all. Well done. Well done, Chitra. मैडम आप भी वो है या प्रतीक्षा. प्रतीक्षा आपने हमको हेल्प किया था ना फोन पे. हमने देखा ना आपके साथ एक फोटो प्लीज.